आगरा में जाति सूचक शब्द का प्रयोग किए जाने से सभीता समाज में आक्रोश के चलते आखिरकार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को बैकफुट पर आना पड़ा। शुक्रवार को ब्रजेश पाठक आगरा पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने सभीता समाज संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और सभी लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने सभीता समाज को भरोसा दिलाया है कि अनजाने में गलती से जाति सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है। एक टीवी चैनल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का साक्षात्कार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे कोविड के दौरान दी गई सहायता पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभीता समाज की जाति को अपशब्द कहकर संबोधित किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही समाज के लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। नाराज लोगों का कहना था कि डिप्टी सीएम ने उनकी भावना को ठेस पहुंचाया है। शुक्रवार को आगरा आगमन पर ब्रजेश पाठक ने सविता समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं था। उनसे जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है वह अनजाने में और गलती से हुआ है, इसीलिए मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ। साथ ही समाज को आश्वस्त करता हूँ कि वह हर समय सविता समाज के साथ खड़े हुए हैं। सविता समाज संगठन के राजू सविता ने बताया कि वह समाज को किसी भी रूप में अपमानित नहीं होने देंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से यह गलती हुई है तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। अगर कोई और राजनीतिक नेता समाज को ठेस पहुँचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ भी इसी तरह का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक के द्वारा सविता सेन नंदवन समाज को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक शब्दों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया था, जिससे हमारे देश के करोड़ों सविता सेन नंदवन समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंची थी। उसी संदर्भ में सविता सेन महासभा उत्तर प्रदेश के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर लगातार प्रदर्शन के कार्यक्रम शुरू हो गए थे। उसको देखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा कल आगरा आने के बाद सविता सेन समाज के लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। उनके निवेदन पर हमारे समाज के प्रतिनिधि हम लोग साहब वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरे देश के समाज से माफ़ी मांगी है कि गलती से मुझसे हो गई। आज मेरा उद्देश्य नहीं था कि सविता सेन समाज को नंदवन समाज को वो ठेस पहुँचे, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और हम सविता सेन समाज के नंदवन समाज के लोग इस चैनल के माध्यम से मीडिया के माध्यम से सभी से कहना चाहते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर भविष्य में किसी प्रकार की टिप्पणी की जाती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा के आंदोलन किया जाएगा। ऐसी हमारी सत्ता समाज की